समझ वेलकम बैक टू माई चैनल दिस यू बी बस। आई होप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। सो मैं भी ठीक ठाक हूँ, अभी भी नहा के आ चुका हूँ गाइस, है ना। सो एक दिन गैप के बाद ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है। सो आज लगभग 11 बज गया होगा शायद। सो मैं नहा चुका हूँ। सो अभी मुझको फुच्चे को भी नहाना है। जस्ट यहाँ पे फुच्चे के लिए नीचे पानी गर्म कर रखा हूँ नीचे, और फुच्चे यहाँ पे रख दिया। आ जाओ आओ, तुम हेरे यहाँ सेतो कुकुर का हालत। सर जस्ट इस कल रात को हमने छोड़ दिया था इसको, मतलब सुबह पकड़ना इतना मुश्किल है ना इसको यार, भाग जाता है, लेकिन पकड़ लिया हमने। सो इसको जल्दी जल्दी से नहा लेते हैं, और स्कूटी भी धोना है। बब्बी बब्बे, तुम सच सच बताओ कल रात किधर गया था, किसके साथ था तुम रात को, बताओ तो। ओह अच्छा लग रहा है तुमको, शायद इसको खुजली हो रहा था ना, इसलिए मतलब अच्छे से बैठ रहा है। बूम बूम, उठा खुट्टा उठा, हाँ गुड बॉय, उठा 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 पूरा। हाँ किधर से जाके आया, इतना मेल किधर से ला के आया तुमने, यहाँ पूरा साबुन खत्म हो। दूसरा खुट्टा उठा, हाँ गुड बॉय, यू आर गुड बॉय। अब हमारा फुच्ची हो चुका है पूरी तरह से साफ, देखे पहले कैसा था अब कैसा हो गया साला, मजा आया नहाने में। हाँ सर पूरा इतना गंदा हो रखा था ना सब, पूरा अस्थि रंग में आया। तू थोड़ी देर घाम पे बैठो, इधर आओ, इधर बैठो ऊपर। ए 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 ए। सो फुच्चे को भी नहा लिया है, सब निकलते गए, स्कूटी भी धोना, स्कूटी धोने के लिए मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है। सो जल्दी जल्दी से निकलते गए, देखिए नहीं पूरे मतलब भित्ता में ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम करने नहीं देखा। ये मम्मी का साले मुझे देख लिया तो मार देगा, जल्दी से धोने में देख डाल दिया था पूरा व्हाइट व्हाइट हो रखा भुतला ही भुतला। ए अच्छे से बैठो, हाँ घाम में रख देते इसको, मतलब ठंड लगेगा ना नहाने के बाद। सो मैं तो गर्मी हूँ, गर्म हो चुका हूँ। सो स्कूटी धोने के लिए निकलते गए, सो लेट्स गो। सो गाइस लेट्स गो, चलते हैं धोने के लिए। जो देखिए पूरा मेला हो रहा है, देखिए काला कलर है। ला ठीक जगह देखो जाओ, स्कूटी धोने गए। सो लेट्स गो गाइस, चलते स्कूटी को धो लेते। मैं भी नहा लिया हूँ, खुच्चे को भी नहा लिया, तो स्कूटी को भी धोना तो बनता है गाइस। सो लेट्स गो। सो जो कोई भी पुराना ब्लॉग देखता है वो लोग को तो पता ही है कहाँ पे धोता हूँ। सो आप लोग भी नया नया आने वाला है वहाँ पे दिखाता हूँ, आप लोग भी आके धो सकते हैं, नज़दीक से देख रहे हो तो। सो गाइस कल में मतलब मैंने यस्टरडे क्या बोलता है, घर आते वक्त वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मतलब वीडियो बनाने वाला मतलब मूड ही नहीं था, तो इसलिए आज बना रहा हूँ। सो कल हम मतलब लौटने वाले, सो कल तो हम पक्का हाईवे से ही जाएंगे। सो चाहे माँ कुछ के मतलब माँ को तो बताना नहीं होगा, नहीं बताएंगे। सो इस रास्ते से ही जाना पड़ेगा, हाईवे थोड़ा आगे से चारकोल भेटता है। सो चारकोल से लगना पड़ेगा हमको ऊपर। सो यहाँ पे हमारा छोटा सा ग्राउंड, सिंह जी का पब्लिक ग्राउंड, यहाँ पर फुटबॉल वगैरह होता है। सो अभी ग्राउंड का हालत बहुत ही फीका चल रहा है। सो लेट्स गो। सो टुडे मतलब कल के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ गाइज। सो फर्स्ट टाइम इन हाईवे गाइज, स्कूटी लेकर जाऊँगा, देखते हैं कैसा होगा। वाओ मैंने सोचा था कालिम्पोंग में जाके अच्छा अच्छा तो ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए जगह ही नहीं है मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए। बाजार में जाओ तो ट्रैफिक ट्रैफिक मिलता है, तो क्या ही करे यार। सो कोई बात नहीं है ना, कोशिश करते रहना चाहिए, इधर उधर करते भी कोशिश करना चाहिए। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइज, देखते हैं कब तक मोनिटाइज होगा। मतलब सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो चुका है, वॉच टाइम का थोड़ा इश्यू आ रहा है। सो ज़्यादा ज़्यादा मेरा वीडियो देखे और शेयर कीजिए गाइज, और मेरा वॉच टाइम पहुँचा दीजिए, उसके बाद तो वीडियो कुछ अलग ही किस्म का होगा ना। तो उसके बाद मतलब मोनिटाइज हो गया है ना, तो बनाने में दूसरा ही जोश आ, अलग अगर आई जाए पीछे कहाँ बसेगा छा, दूसरा ही मज़ा आता है क्या। डॉलर को याद करते हुए बनाएंगे वीडियो उस वक्त। सो कोई बात नहीं, अभी भी बना रहे हैं। सो आप लोगों के सपोर्ट सही होगा, प्लीज़ डू सपोर्ट गाइज। और यहाँ पर है ना रोड इतना मस्त है भाई, अरे वाह। कैसा आ रहा, मजा आ रहा है तुमको, थोड़ा स्पीड कूदा हूँ और। अबे यार तुमको डर नहीं लगता, हाँ
डर नहीं लगता तुमको? ये देखो भाई कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखा है इधर, मतलब एक या दो वर्ष पहले हुआ था, इतना खतरनाक हमारे घर, मतलब इतना दूर है हमारा घर लेकिन हमारे घर से भी साफ दिख रहा था, क्या साउंड इतना भयानक आया था उस वक्त। अबे यार क्या ही बताएं, मतलब बम फटा हुआ जैसा साउंड आ रहा है। सो यहाँ पर भी लैंडस्लाइड पहाड़ों में थी तो लैंडस्लाइड तो आम बात है भाई, नज़ारा भी इंजॉय कीजिएगा। सो जस्ट हम पहुँचने वाले ऊपर धोने वाले जगह पर, सो वहाँ पर एक मंदिर खोला है ना, सो वहीं पे पानी जोड़ के लाया है, वहाँ पे एक कैंटीन है दीदी ने, सो वहीं पे जाके धोता हूँ ऑलवेज में। आप लोगों को कैसा लग रहा है, मेरा हिंदी थोड़ा इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ प्लीज़ कॉमेंट कर देना। मेरे को लग रहा है कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ हिंदी में थोड़ा थोड़ा। सो कोई बात नहीं, इधर का रोड ना क्या ही भाई, सीन देखो और रोड देखो मस्त है भाई, मतलब जगह जगह पर ख़राब हो रखा है पर कोई बात नहीं, जगह जगह पर तो आता है ना अप्स एंड डाउन्स, लाइफ में भी आता है, रोड में भी आना चाहिए तभी मज़ा आता है दौड़ाने में। लाइफ एंड डाउन मतलब अप्स एंड डाउन्स कम इन लाइफ, अप्स एंड डाउन्स आया तो लाइफ में मतलब पता चलेगा ना क्या होगा क्या कैसे करना है बोल के। सो इसीलिए भाई स्कूटी के एक्सपीरियंस के लिए भी चाहिए अप एंड डाउन। अबे यार कमांडर ये गाड़ी देख रहे हो ना आप लोग, ये बहुत ही पुराना है, आप लोग मतलब जहाँ आप मतलब प्लेन साइड या सिटी एरिया से देख रहे हैं सो उधर ये गाड़ी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग एरिया ही मिलेगा। हम पहुँच गए गाइस, सो देखते कोई नहीं है, इधर इधर ही धो लेते हैं। ये गाड़ी मतलब ओल्ड मॉडल का है ना, सो दी धूम। सो हम पहुँच चुके गए, पानी देखा ना पानी कितना आ रहा है, चाबी निकाल दो सीधे सिर में छाइन हुई हो। मम्मा स्कूटी त हेरिन सक भएको छ नि त, ओ धुवा वाडे धुवा। हजुर भयो राख्दियो तिमीलाई फोन लु लु बस। सो लेट्स गो गाइस, आज बहुत ही हतार हो रहा है साला, बाबा कर रहा है कॉल कॉल कर रहा है घर गएको ल दी। सो पुरा साफ हो चुके गाइस, सब मेरे को मन में भी ढुक्क हो रहा है, सो मैं भी नहा लिया हूँ, फुचेको भी नहा लिया हूँ, स्कूटी भी धो दिया हूँ, सब टेंशन खला। हमारा गांव इतना ज़्यादा सुंदर है क्या ही बताए, आप लोग आकर भी चेक कर सकते हैं ना। सो मतलब मौसम भी ठीक ठाक है, नज़ारा भी ठीक ठाक है, यार क्या ही बताए, जगह भी मतलब सेंटर में पड़ता है ना सिंह जी, मतलब सिलगढ़ी जाओ तो भी ठीक, ओतलाबड़ी जाओ तो भी ठीक, दार्जिलिंग जाओ तो भी ठीक, कालिम्पोंग जाओ तो भी ठीक, इधर अलगढ़ जाओ सब सभी सेंटर में पड़ता है, इसलिए हमारा सिंह जी बहुत अच्छा है। अभी आके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लॉज वॉज वगैरह भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा अच्छा है, हमारा तो नहीं है बनाएंगे फ्यूचर में। तो कौन आ रहा है यहाँ, इतना ज़्यादा शेप के आता है ना, सो मुठू ढुक ढुक कर रहा है, मतलब फर्स्ट मतलब कोई भी आता है ना पहाड़ पे ये रोड पर इतना नज़दीक से ले जाता है साला, लगता है मुंह से हलक से निकल जाएगा मुठू। सो गाइस लेट्स गो, जल्दी जल्दी से दौड़ आते हैं क्योंकि बाबा कॉल कर रहा है ना, जल्दी आओगे जल्दी आओ बोल रहे हैं बाबा, क्यों पता नहीं, कॉल पे कॉल। सो इसलिए स्कूटी भी अच्छा नहीं धुआ, मतलब अच्छा तो धुआ अच्छा ही है इसका तो ठीक ठाक है इतना। सो आप लोग भी सेम कॉन्टेंट देख कर मतलब बोर हो चुके होंगे, इसीलिए मैं कल जा रहा हूँ नया हाईवे पे, नया कंटेंट बनाने के लिए, नया एक्सपीरियंस लेने के लिए गाइस, देखते हैं क्या होगा। मतलब हाईवे पूरा तो नहीं बन चुका है, मतलब आधा बनाया आधा, लेकिन इतना अच्छा बनाया ना कि मैं गया हूँ गाड़ी में लेकिन स्कूटी लेकर पहली बार जा रहा हूँ, देखते हैं क्या, मतलब 100 से ऊपर पहुँचा देंगे दौड़ाने, मतलब स्कूटी कितना जाएगा मेरी स्कूटी पता नहीं, स्कूटी का भी टॉप स्पीड भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है गाइस। कल तो जाना है पक्का। सो गाइस यहाँ पर एक स्कूल प्राइमरी स्कूल चारपल, और देखिए पूरी तरह से जंगली जंगली चारों और जंगल। अबे यार इसी चीज़ का तो घमंड करता हूँ भाई, इसे जगह पर रहने मतलब जिस चीज़ जिस जगह पर आप लोग आना चाहते हैं ना वहाँ का तो मैं रहता हूँ वहाँ पे, तो इसी चीज़ का घमंड तो होना चाहिए ना, ऐसे सुंदर जगह पर रहते हो आप लोग, उस जगह का घमंड तो करना ही चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं थोड़ा, देखे ना भाई पूरा हरियाली और पहाड़ भी देख सकते हैं सामने ही, जब आप उठते हो ना आप मतलब सुबह उठते हो तो जब दरवाज़ा खोलो खिड़की खोलो तो सामने पहाड़। अबे यार मगर घूमने के लिए मस्त है एकदम,
और रोड देखिए भाई पूरा कॉर्नरिंग मोटो जीपी का फील आता है। मैं मोटो जीपी में तो नहीं गया हूँ, वीडियो देखा हूँ, वो ऐसा ही रोड है पूरा। अगर बाइक होता ना तो पूरा लेटा के चलने में इतना मज़ा आता है इधर। पर कोई बात नहीं, हमारे पास स्कूटी है, मेरा फर्स्ट लव, सो इससे ही मज़े करेंगे भाई। इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है इसके साथ। अभी क्या हो गया, क्रैश हो गया शायद, क्या हुआ इधर, कौन है ये लोग, किधर से आए? रास्ता भी नहीं छोड़ता साला, हॉर्न मार तो सुना ही नहीं देता क्या, क्या दौड़ता है भाई। देखो 60 पहुंच गया एक छिन में ही, मतलब सेकेंड में ही 60 पहुंच जाता है। स्कूटी का साला, स्कूटी का बाप है। दूसरा लोग बोलते हैं कि एंटॉक इज वेरी पावरफुल, बट मतलब मेरे साथ कोई रेस करेगा ना तो एंटॉक को मैं छोड़ दूंगा पीछे आराम से, पीछे एक बंदा बिठा कर भी एंटॉक को आराम से छोड़ दूंगा मैं। ओह यहाँ पे पूरा कॉर्नरिंग होता हुआ हमारा, यहाँ 90 डिग्री। ओह हम पहुँच गए हमारे दुकान में। सोफा देखियो, सोफा हाल दिन सुखा ना हो, सुखा सुखा कर बोकर पाया अल तो।